अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं या आपका कोई यूट्यूब का चैनल है जो कि रिसेंटली मोनेटाइज्ड होने वाला है, तो जब वो मोनेटाइज्ड हो जाएगा उसके बाद आपने जो पेमेंट आउट ऑफ कंट्री से पाकिस्तान में मंगवानी है, यानी कि जो डॉलर्स आपने मंगवाने हैं, उसके लिए कौन सा बैंक जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा बैंक जो है वो आपके लिए बैड रहेगा। हेलो गाइस, मैं हूं अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया में। सब्सक्राइब करें टेक्निकल उस्ताजी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड चैनल है जो कि रिसेंटली ही मैंने मोनेटाइज्ड करवाया है। उसके बाद जो मुझे इश्यूज जो हैं फेस करने पड़े वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थे, जिसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मैं जैसे परेशान हुआ वैसे कोई और यूट्यूबर जो है वो ना हो पाए। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा बैंक जो है वो बेस्ट है, कौन सा बैंक जो है वो अनबेस्ट है। तो सबसे पहले मैं बैंक की बात करूँ तो आप अगर अपने डॉलर्स मंगवाना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो उसके लिए आपके लिए मिज़ान का जो बैंक है वो आपके लिए बेहतर रहेगा और बेस्ट रहेगा और बहुत ही अच्छी उसकी सर्विसेज हैं। और ये नहीं कि ये चार्जेस या डॉलर्स कट नहीं करते, ये दो से तीन डॉलर्स जो हैं वो आपकी कट आउट करेंगे, बट आपको रिलीफ ये देंगे कि आपको ज़लीलो ख़वार नहीं होना पड़ेगा, इजीली आपकी पेमेंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाया करेगी। इसके अलावा आपके लिए जो बेस्ट बैंक है वो है UBL का। UBL में भी कोई इशू नहीं होता किसी किस्म, क्योंकि पहले मैंने UBL में अकाउंट एक्टिवेट करवाया था, उसके बाद मैं मिज़ान की तरफ चला गया। ठीक है, ये दोनों बैंक बेस्ट हैं, लेकिन मुझे जो ज़्यादा पसंद है वो है मिज़ान। उसकी सर्विसेज अच्छी हैं, उसकी ट्रांजेक्शन जो है वो टाइम से हो जाती है और ज़्यादा जो है चार्जेस वो भी कट आउट नहीं होते। तो आपने UBL कर लेना है या आपने मिज़ान कर लेना। इसके अलावा जो बाकी अदर्स बैंक है, MCB हो जाता है, लाइट बैंक हो जाता है, अल्फला बैंक हो जाता है या सुनहरी बैंक हो जाता है, इनका सिर्फ ये मसला है कि ज़लीलो ख़वार जो है वो आपको स्टार्टिंग पे होगी जब आप डॉक्यूमेंटेशन या आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाहर से पैसे आने के रिलेटेड आप जो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसमें आपको परेशानी आएगी और काफ़ी दिन के बाद आपको अप्रूवल्स जो हैं वो मिलेंगे और जो चार्जेस कटिंग होंगे वो, और वो भी तकरीबन आपके जो है वो $10 कट आउट हो जाएंगे, $10 या $11, उसके बाद ही आपको बाकी पेमेंट जो है वो मिलेगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेमेंट भी सेव रहे और आप ज़लीलो ख़वार भी ना हो, तो आपने मिज़ान बैंक में अप्लाई करना है अपनी मोनेटाइजेशन के बाद, या आपने UBL बैंक में अप्लाई करना है और उनको बताना है कि मेरे पैसे आउट ऑफ कंट्री से आएंगे। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो जो दूसरे बैंक्स हैं वो आपको ये कहेंगे कि आप दहशतगर्द हो, आप ये हो, आप वो हो, आप कोई गलत काम करते हो, तो जो आपकी पेमेंट बाहर से आ रही है, डॉलर्स आ रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ सुनना भी पड़ेगा। तो इसलिए सीधा आपने जाना है मिज़ान बैंक में या UBL में, तो वहाँ की सर्विसेज जो हैं वो आपने लेनी है। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड, ऐसी ही टेक के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा।